की रूटीन जो मैंने आपको बताया, घर हो बाहर हो कहीं भी हो, गाड़ी के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो केमिकल से वो से क्यों उतना दूर है, उसके बाद है कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव एंड नेगेटिविटी। आपको लगे कि मैं आपके साथ जब बात कर रही हूँ तो मेरी बातों में ज्यादातर से नेगेटिविटी, या मेरे पास बैठ के आपको नेगेटिविटी फील हो, या कोई सीरियल चल रहा है जो बहुत नेगेटिव है, या कुछ भी, तो वो नेगेटिव जहाँ पर फील होता है स्टे अवे। पॉजिटिविटी ही आपके पास होनी चाहिए। कोई कुछ भी बोलता है, जैसे हो सकता है कि हमारे फैमिली में 4-5 जन रह रहे हैं, तो वो कोई बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत नेगेटिव है, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वो अपने स्वभाव से मजबूर है। तो आपको क्या करना है, तो आपको मैंने बोला जैसे सेल्फ डेवलप, सेल्फ चेकिंग, वो बीमार है तो आपको वो चीज़ एंजॉय करनी है, वो बीमार है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उससे आपको कुछ नहीं लगता। जैसे वो नॉनस्टिक पैन पे आप कुछ भी डालोगे, बिना ऑयल के भी चिपकेगा नहीं, तो आपको वैसा बन जाना है। उसके बाद है कम्युनिकेट विथ योर बेबी। आपके बच्चे के साथ आपको बात करनी है, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है आप मत सोचो, एक्चुअली वो सुनता ही है, वो फील करता है, उसमें सारे सेंसेस मौजूद हैं। उसके पास कौन सी मेमोरी है, उसके पासवर्ड की मेमोरी है। ये हो सकता है कि आप उसको बिलीव ना करें, पर जैसे आपको आपको बोला था मैंने कि दो बच्चे आ रहे हैं, तो वो अपने संस्कार लेके आ रहे हैं। वो संस्कार कहाँ से आए अगर हम इसमें बिलीव नहीं करें, तो संस्कार कहाँ से आए। तो जैसे मेरे पास अगर कोई पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव के अंदर मैंने जो डाटा जो डेटा फीड किया हुआ है, अगर मैं अभी दोबारा बजाऊंगी तो वही डेटा आएगा, वो क्लियर नहीं होगा। अब मुझे उसको क्लियर करना है, तो उसके ऊपर दूसरा डेटा रखने से पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेबी के साथ कम्युनिकेशन करना है। अभी मैंने बोला था कार्मिक हीलिंग, तो एक सेशन हम लेते हैं कार्मिक हीलिंग का, कि जैसे आप मेरे लिए बहुत नेगेटिव है, आप जब भी देखो मेरे से झगड़ा करते रहते हो और आप मेरा बुरा हो ऐसा ही चाहते हो, तो मुझे पता चल गया है कि आपके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट जोरदार वाला नेगेटिव है। पास्ट वर्क में किसी जन्म में मैं आपका इतना बिगाड़ के आई हूँ कि इस जन्म में आपका कुछ भी नहीं किया तो भी आप मेरे पीछे ही लगे रहते हो, अब उसको मैं उससे छुटकारा कैसे पाऊँ, तो उसमें कार्मिक हीलिंग देना होता है। वही कार्मिक हीलिंग आपको आपके बच्चे के साथ, आपके पास जो आत्मा आ रही है उसके साथ करना है, ताकि अगर आपके साथ उसका कोई बिगड़ा हुआ कार्मिक अकाउंट है तो वहीं पर सेटल हो जाए, और फिर आपके बीच में कोई तनाव ना हो, एक पॉजिटिविटी आ जाए, एक खुशी आ जाए, एक बॉन्डिंग आ जाए। तो कार्मिक हीलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी इंसान है, जैसे अभी तो हम दूसरों की बात नहीं करेंगे, हम बच्चे की बात करेंगे, तो आपकी दोनों हाथ है उसकी एक टिप्स होती है, यहाँ से आपकी एनर्जी आती है, और टिप्स को आपको ऐसे रखना है नेवल पार्ट के ऐसे, और फिर आंखें बंद करके उसको महसूस करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, अपने बेबी को फील करना है। अब उसके साथ आप बात कर रहे हो, क्या बात करोगे, नॉर्मल आप जैसे भी बात करना चाहते हो, आई लव यू, यू आर सो गुड, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आज हमने पूरे दिन में ये किया, मतलब आप कहीं बाहर गए तो वो भी बाहर गया था बच्चा। फिर आपको बोलना है कि आप जो बेबी है उसको, आपके साथ मैंने इस जन्म में तो नहीं पर पिछले जन्मों में अगर कभी भी कुछ भी किया है, या अभी इस वक्त मैं आपके साथ कुछ बुरा कर रही हूँ, मेरे से कोई गलती से आपको हर्ट हो जाता है या हो चुका है, तो उसके लिए मैं दिल से आपकी माफी मांगूंगी, और आपने अगर मेरे साथ पिछले किसी भी जन्मों में कुछ भी बुरा किया है तो उसके लिए मैं आज आपको माफ कर रही हूँ। आज अभी इसी वक्त मैं हम दोनों के बीच का जो भी कार्मिक अकाउंट है उसे क्लोज कर, अब हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता है, खुशी का रिश्ता है, दैट्स ये बोलना है और फिर उसे महसूस करना है। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक अकाउंट होंगे वो सेटल हो जाएंगे, फिर पापा के साथ कार्मिक अकाउंट है वो पापा सेटल करें, ठीक है। बेबी के साथ कम्युनिकेट करना है, मतलब आप कुछ खा रहे हो तो आप बोलेंगे कितना अच्छा खाना बना है, आपने एंजॉय किया होगा ऐसे, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसको एक मेंबर की तरह आपके साथ ही महसूस करते हो, तो आने के बाद भी, और दूसरे का इंट्रोडक्शन कराओ, जैसे ये पापा है, ये मम्मी, ये मतलब सांस है, ये ससुर जी है, या ये भाई है, ये बहन है, ऐसा सब उनको रिश्ता महसूस कराओ, उनके साथ कम्युनिकेट कराओ, उनका हाथ रखे अपने ओम पे और फिर उसके साथ कम्युनिकेट कराओ, उन्हें बोलो कि आप कुछ सोचो तो वो सोचा हुआ वो महसूस करेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद है ट्रेन योर माइंड, तो क्या चीज़ों में ट्रेन करना है, तो बी पंक्चुअल, आप चाहते हो आपका बच्चा पंक्चुअल, यू हैव टू बी पंक्चुअल। उससे क्या होगा, जैसे मुझे कहीं पर 3 बजे जाना है और मैं घर से ही निकली 3:05, तो मैं अंदर से कितनी वो फील हो रही है, गिल्टी फील हो रहा है, शिट मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँगी, ये होगा,
ये चीज उसको इफेक्ट करेगा, वो प्रेशर आएगा वो इफेक्ट करेगा, वहां जाने के बाद किसी की आंखों में या कोई कुछ बोलता है यार आपसे ये हो, वो सुनता है तो वो भी ऐसा हो जाएगा और वो जो प्रेशर है वो फील करेगा। तो उससे बेटर है जब हम पंक्चुअल होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक खुशी आती है। और हम अगर पंक्चुअल है तो हमें आसपास जो भी लोग हैं जिनके साथ हम वो इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे लिए एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वाह ये तो बहुत पंक्चुअल। पर अगर मैं पंक्चुअल नहीं हूँ तो जैसे आपने मेरे लिए सोचा कि ये तो हमेशा लेट ही है तो मुझे एक आशीर्वाद मिल गया, मैं नहीं होती लेट तो भी अब के बाद मैं हमेशा लेट हूँ, तो वो आशीर्वाद किसको मिला, मेरे साथ मेरे बच्चे को मिला, तो वो नहीं करना है। देन बी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी चीज़ है कोई भी परिस्थिति है उसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत ठहरा के हम खुद रिस्पॉन्सिबल है वो बनना है। हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरी हेल्थ, मेरा फैमिली, मेरा वर्क, सब में रिस्पॉन्सिबल रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने अपने वर्क के साथ ये चीज़ साइड कर दो, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपका जो भी होना उन्हें। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बी हैप्पी, कोई आपको खुश नहीं कर सकता, एक ही इंसान है जो आपको खुश कर सकता है वो आप। तो वो खुशी कैसे आएगी, मैंने बोला अगेन बीमार है, कोई भी आपको कोई भी परिस्थिति में आपको परेशान करता है ये बीमार है, दैट्स गेट वेल सून। बहुत ज़्यादा परेशान करे तो स्माइल करते रहे, वो इंसान इरिटेट हो जाएगा और आपसे दूर चला जाएगा, आपके जैसे आपके हस्बैंड के साथ कुछ अनबन हो जाती है और वो बोलते रहते हैं कि तुम ये नहीं करती हो, तुम अपना ध्यान नहीं रखते, ऐसे करके डांट देते, तो वो निकल गेट वेल सून, तो वो कॉमेडी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी रियल, मतलब हमें जैसे हैं वैसे ही दिखना है, किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, हम जैसे हैं वैसे रहना है। पर कब, जैसे आप चाहते हो कि मैं जो हूँ वैसा ही मेरा बच्चा, तो ही आप जैसे हैं वैसे रहना है। तो आपको वो चीज़ आपकी क्रिएट करनी, आपकी पर्सनालिटी क्रिएट करनी है और आपको अपने आप को प्यार करना। बी रियल, आप अगर बहुत पैसे वाले हैं और आप कहीं पर जा रहे हैं और आप खर्चा कर रहे हैं तो ओके, पर अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके बाजू में कोई है वो जो लैविशली खर्च कर रहा है तो आपको उनके जैसा बनने के लिए वो प्रेशर आपके अंदर फील नहीं करना है, कोई शो ऑफ नहीं करना है। वो प्रेशर जो मेनली बात क्या है, दिखने की बात नहीं है, जो मेंटली फील करते हो ना वो चीज़, वो अंदर उसका स्वभाव बनेगा बच्चे का, जो आपके अंदर डेवलप हो रही है आपको नहीं पता है पर वो बच्चा तो वही बनेगा, तो वो रियल बने। उसके बाद है बी कॉन्फिडेंट, वॉट इज कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस मीन्स आपको ना कहना आना चाहिए, मतलब मैंने अभी आपको बोला कि आपके वहाँ पर गेस्ट आए और गेस्ट के साथ आपको बैठने जैसा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, से नो मैं नहीं कर सकती। आपके सास ससुर है आपको आपको बोल रहे हैं कि आपको ये शादी में आना पड़ेगा, तुम्हारे आए बिना ये चीज़ नहीं चलेगी, पर आपको लग रहा है कि उस जगह पर जाके मैं कम्फर्टेबल नहीं रहूँगी क्योंकि सवाल अपने बच्चे का है, तो आप बोलो कि मैं नहीं आऊँगी, कोई दुनिया लूट नहीं जाएगी, ना होने की आप में ताकत होनी चाहिए, वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली प्यार से समझाना है ताकि घर के अंदर तनाव महसूस नहीं हो, क्योंकि हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, मैं आपके लिए जो सोच रही हूँ जो वाइब्रेशन आपको दे रही हूँ वो आपको पहुँच रहे हैं और वो वाइब्रेशन आप पे फर्क क्रिएट करते हैं। जैसे हम सब लोग मिल के बोलेंगे तो हमें अगर किसी के लिए अच्छा करना है तो कौन क्या है वो नहीं सोचने, हमें वो इंसान में क्या क्वालिटीज चाहिए वो सोचना। तो बी कॉन्फिडेंट, फील योर बेबी, आपके बच्चे का ग्रोथ आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट मंथ में क्या, सेकंड मंथ में क्या, थर्ड मंथ में क्या, वो कैसा लग रहा होगा, उसको एंजॉय करो, उसको फील करो, वो यहाँ से लात मार रहा है, वो यहाँ से मूव कर रहा है, वो आप खाना खा रहे हो तो वो भी वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो टेस्ट वो फील कर रहा है, जस्ट फील द बेबी। वो जो खुशी है वो खुशी ये 9 महीनों में जो आपको मिलेगी वो फील लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, तो वो खुशी को फील करो, वो बच्चे को थैंक्स बोलते रहो, थैंकफुलनेस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, लाइक भगवान को आप थैंक्स बोलो, बच्चे को थैंक्स बोलो कि थैंक यू बेटा आप हमारे पास हो, हमें ये खुशी दे रहे हो, थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर लाइफ, थैंकफुलनेस एंड फील योर बेबी। तो ये था हमारा गर्भ संस्कार का सेशन, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कला सूर्य फाउंडेशन हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट भी है, आप कला सूर्य फाउंडेशन को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर है, इंस्टा है, सब जगह पे हम अवेलेबल है, और कुछ अभी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत बोलिए ना।
हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस को बोला हैप्पी वुमेंस डे एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सोल जो आपके घर में आ रहा है.